नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ एक हॉलीडे के लिए, शॉर्ट हॉलीडे के लिए मैक्लोडगंज और धर्मशाला। और मैक्लोडगंज धर्मशाला मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा चिंतपूर्णी दर्शन करके, फिर ज्वाला जी दर्शन करके, फिर कांगड़ा जी उधर दर्शन करके, फिर मैं आगे मैक्लोडगंज जाऊँगा और मैक्लोडगंज भी रहूँगा। ये 3-4 दिन का टूर मैं लेके निकल रहा हूँ, तो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। चिंतपूर्णी जाएंगे पहले हम, अभी डायरेक्टली हम अभी चिंतपूर्णी के लिए निकल चुके हैं। तो जैसे आपको बताया कि हम चंडीगढ़ से निकले हैं, तो चंडीगढ़ में जो रहते हैं, चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला या आसपास पंजाब में कहीं रहते हैं, तो उनके लिए तो ईजी है इधर चिंतपूर्णी या सारे मंदिर दर्शन करना, चिंतपूर्णी ज्वाला जी कांगड़ा जी सब चामुंडा देवी सारा दर्शन करना, नैना देवी, उनके लिए ईजी रहता है। वो एक अपनी गाड़ी लेके निकल सकते हैं और एक दिन में 2-3 मंदिर दर्शन करके फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक के फिर अगले दिन बाकी टेम्पल दर्शन करके मैक्लोडगंज धर्मशाला जाके अपना हॉलीडे मना के फिर आ सकते हैं। दोनों काम एक साथ हो जाता है। तो जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे कि कोई बाहर से आए गए, कहीं से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं या महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कहीं और किसी स्टेट से अगर आप लोग आ रहे हैं और जाना है, तो आप चंडीगढ़ आ सकते हैं, चंडीगढ़ से भी जा सकते हैं इस तरीके से गाड़ी लेके। हम कुराली पहुंच चुके हैं, काफी फॉग है आज, जैसे मैंने आपको बताया। हम टेम्परेचर देख लेते हैं क्या है और वहां क्या टेम्परेचर है मैक्लोडगंज में, वो भी देख लेते हैं। यहां टेम्परेचर आपका दिखा रहा है कुराली 6 डिग्री और दिल्ली में 9 डिग्री है, न्यू दिल्ली में, तो ये न्यू दिल्ली से भी ठंड है। और मुंबई बीच में रुकना पड़ा थोड़ा सा, लायनल को पोटी आया था, तो हम यहाँ पोटी करके इसको पोटी करा के फिर हम जा, ये नंगल डैम पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पहुंचते ही धूप निकल चुकी है, देखिए कितनी अच्छी धूप निकल गई, काफी धूप निकल आई। तो मैंने पहन लिया सनग्लास, पूरा ऑपोजिट हो गया, घर से निकले थे तो फॉगी फॉग था, अब यहाँ धूप ही धूप है। तो हम अभी सोच रहे हैं कि एक कप चाय पी के चलें, तो हम ढाबा चुन रहे हैं और इससे अपनी सनग्लास की पड़ी है, तो ये ले तेरा सनग्लास, तू भी पहन ले, ये भी अपना सनग्लास पहनेगा। तो अभी आप ढाबे में थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा हाफ कप चाय पी के फिर चलते हैं। ओ पहन ले सनग्लास, वाह अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, अच्छा सनग्लास है। तो हम अभी चाय पी रहे हैं ढाबे में आके, तो एक गर्मा गर्म चाय, क्या आ रहा है, वॉशरूम आ रहा है, वॉशरूम भी कर लेंगे, चाय पी लेते हैं पहले। हम चिंतपूर्णी माता के मंदिर पहुंच चुके हैं, अब हम गाड़ी पार्क कर लेते हैं, फिर गाड़ी पार्क करके फिर आगे चलते हैं। चिंतपूर्णी जाने के लिए उधर से 2 रोड है, एक तो सीधे पैदल जा सकते हैं सीधे, और ये या तो ये सीढ़ियां चढ़ के जा सकते हैं, सीढ़ियां कुछ खड़ी है लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे। चिंतपूर्णी मंदिर पहुंच गए हैं गेट नंबर 3 पे, तो आगे सीढ़ियों से हम चढ़ेंगे। मुझे वापस आना पड़ रहा है, यहाँ पर्ची लेके मुझे जानी थी, पर्ची लेके जाएंगे, अदरवाइज बिना पर्ची के आपको रोक सकते हैं, तो पर्ची लेके जाएंगे। पर्ची लेने के लिए मैं नीचे आया हूँ, कोई चार्ज नहीं होता, तो ये पर्ची लेके जाना, 4 जन के लिए एक ही पर्ची, 4 जन के साथ, 4 जन की, चलो ठीक है। तो यहाँ पर्ची लेके वहाँ जानी है, मंदिर में जाना है, तो मंदिर डायरेक्टली जाएंगे तो फिर रिटर्न भी करते हैं, नहीं मंदिर में जैसे आप पर्ची देखेंगे ना, वहाँ पर्ची ड्यूटी वाले चेक करते हैं, पर्ची ये पर्ची वहाँ ले लेंगे, जमा हो जाएगी आपकी, ठीक है, थैंक यू, ओके।
ये है माता चिंतपूर्णी जी का दरबार। तो मैं यहाँ पर मट्ठा टेक लेता हूँ, आप भी देख रहे हैं तो आप भी एक बार माँ का नमन कर ले। ये है चिंतपूर्णी माता, हमने दर्शन कर लिया। जैसे आपको बताया कि काफ़ी रोड से, ये मेरे पीछे जो है ये भी एक रास्ता है मेरा, आगे से मैं गया था, सीढ़ियों से गाड़ी वहाँ तक चली जाती है। आगे मैं इस रोड से मैं गया था, इस रोड से आगे तक गया था, वहाँ से गाड़ी नीचे रख के फिर सीढ़ियों से गए। कुछ 15-20 सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ के फिर दर्शन करके आगे। ये माता चिंतपूर्णी का मंदिर ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। तो चंडीगढ़ से करीबन कितने किलोमीटर है चंडीगढ़ से? 170 किलोमीटर है चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से अगर आप आ रहे हैं तो 170 किलोमीटर है। तो ये जो शक्तिपीठ है, ये चिंतपूर्णी माता का जो मंदिर है, एक शक्तिपीठ है। तो 51 शक्तिपीठों में से एक है जो यहाँ पर देवी के चरण गिरे थे। तो देवी के चरण गिरे थे तो मैंने आपको मंदिर दिखाया। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं मंदिरों में। तो जितना हो सके मैंने आपको वीडियो करके दिखाया, क्योंकि काफ़ी रेस्ट्रिक्शन भी थे वीडियो बनाने के लिए। पता नहीं अभी रेस्ट्रिक्शन क्या है या पहले से है, पर जितना हो सके मैंने आपको वीडियो दिखाया। अब मैं निकल चुका हूँ माता ज्वाला जी के मंदिर के लिए, जो कि माता ज्वाला जी का जो मंदिर है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और मेरा ये जो वीडियो है, ये पार्ट मेरा, इस वीडियो का ये पार्ट मेरा यहीं ख़त्म होता है, और मैं अगली पार्ट में आपको ज्वाला जी के मंदिर पे मिलूंगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए।